फ्रेंड्स वेलकम टू चैनल। आज हम इस वीडियो में बात करने वाले हैं कोर्सेज के बारे में। जब हम 12th पास होते हैं तो हमारे पास क्या क्या कोर्सेज रहता है फॉर ग्रेजुएशन लाइन, हम क्या कोर्सेज कर सकते हैं। बहुत स्टूडेंट्स को ये नॉलेज ही नहीं होता है क्या कोर्सेज अवेलेबल है स्टडी लाइन में, तो इसका लैक ऑफ नॉलेज के कारण कोई भी स्ट्रीम नहीं कर लेते हैं। तो ये वीडियो टोटली बेनिफिशियल है साइंस स्ट्रीम के लिए भी, कॉमर्स स्ट्रीम के लिए और आर्ट्स वाले के लिए भी। बात करेंगे हम साइंस और कॉमर्स वाले के लिए। साइंस और कॉमर्स के स्टूडेंट्स वो हैं जो कि 12th अगर साइंस से भी और कॉमर्स से भी किए हैं, तो जो आर्ट्स के स्ट्रीम है, आर्ट्स का जो कोर्सेज है फॉर ग्रेजुएशन, वो साइंस और कॉमर्स वाले कर सकते हैं। आर्ट्स में जो जो भी कोर्सेज है, अगर आपने 12th साइंस और कॉमर्स से किया है तो आप आर्ट्स का वो कोर्सेज कर सकते हो फॉर ग्रेजुएशन के लिए, बट आर्ट्स वाले नहीं कर सकते। आर्ट्स अगर आपने अगर 12th आर्ट्स से किया है तो आप ग्रेजुएशन साइंस से नहीं कर सकते, कॉमर्स से नहीं कर सकते। बहुत ही हार्ड होता है, बहुत ही पेचीदा हो जाएगा और आप खुद नहीं कर सकते, मुझे ऐसा लगता है। बट साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट वाले के पास ये चांस रहता है कि आप अपना स्ट्रीम चेंज कर सकते हो, आप साइंस या कॉमर्स स्ट्रीम से आप आर्ट्स में आ सकते हो। तो साइंस और कॉमर्स वाले के लिए बहुत सारा कोर्सेज हो जाएंगे और आर्ट्स वाले के लिए कम से कम 18 से 20 लिस्ट है हमारे पास जो हम इस वीडियो में दिखाएंगे। हम फ्रेंड बात करेंगे सबसे पहले साइंस का। अगर आप आर्ट्स और कॉमर्स के स्टूडेंट हैं तो वीडियो को हल्का से स्किप करके आप आर्ट्स और कॉमर्स के भी कोर्सेज को देख सकते हैं। जो टॉप 8 कोर्सेज है फॉर साइंस स्टूडेंट वो है बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ टेक्नोलॉजी, बैचलर ऑफ आर्किटेक्चर, बैचलर ऑफ साइंस इन केमिस्ट्री फिजिक्स एंड बायोलॉजी, बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन इन IT एंड सॉफ्टवेयर, बैचलर ऑफ साइंस इन इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। MBBS मेडिकल फील्ड है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, BSc नर्सिंग मेडिकल फील्ड है बायोलॉजी स्टूडेंट के लिए, बैचलर ऑफ फार्मेसी बी फार्मा ये भी एक साइंस का स्टूडेंट कर सकता है। सो फ्रेंड्स ये थे टॉप 8 कोर्सेज आफ्टर 12th साइंस। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स कॉमर्स स्टूडेंट्स के लिए कॉमर्स में क्या क्या कोर्सेज हो सकते हैं। टॉप 6 कोर्सेज में है BCom इन अकाउंटिंग एंड कॉमर्स, BBA LLB लॉ फील्ड है, BBA बैचलर ऑफ बिजनेस एडमिनिस्ट्रेशन, BMS बैचलर ऑफ मैनेजमेंट स्टडीज, BCA बैचलर ऑफ कंप्यूटर एप्लीकेशन, चार्टर्ड अकाउंटेंसी, चार्टर्ड सेक्रेटरी। ये हैं टॉप 6 कोर्सेज आफ्टर 12th कॉमर्स इन डूइंग ग्रेजुएशन इन कॉमर्स फील्ड। अब हम बात करेंगे फ्रेंड्स आर्ट्स कोर्सेज का जो कि एक साइंस और कॉमर्स का स्टूडेंट दोनों कर सकते हैं। सो स्टार्टिंग फ्रॉम फर्स्ट, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन ह्यूमैनिटीज एंड सोशल साइंस, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन आर्ट्स, बैचलर ऑफ फाइन आर्ट्स, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन एनिमेशन, बैचलर ऑफ आर्ट्स इन LLB, बैचलर ऑफ डिज़ाइन इन डिज़ाइन, बैचलर ऑफ साइंस इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, बैचलर ऑफ साइंस इन डिज़ाइन। 9th नंबर पर है बैचलर ऑफ जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन, BHM इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, बैचलर ऑफ जर्नलिज्म, बैचलर ऑफ मास मीडिया, BA इन हॉस्पिटैलिटी एंड ट्रैवल, BA इन एनिमेशन, डिप्लोमा इन एजुकेशन, DED। सो फ्रेंड्स ये थे आर्ट्स कोर्सेज साइंस और कॉमर्स स्टूडेंट के लिए। अब हम बात करेंगे आर्ट्स कोर्सेज जो कि स्टूडेंट 12th आर्ट्स से किए हैं उनके लिए आर्ट्स कोर्सेज, चलिए स्टार्ट करते हैं।